हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। फिल्म टू मूवी शूवी। दोस्तों, मैंने क्यूबिकल्स देखा था TVF का, आई थिंक 2-3 हफ्ते पहले। और मैंने जान के देखा था ताकि मुझे थोड़ा सा स्टोरी का बैकग्राउंड पता चल जाए, जो कि यूट्यूब के ऊपर आया था और TVF ने बनाया था। तो इनसाइट्स काफ़ी अच्छी थी, लेकिन मेरे से मिस हो गया था तो मैंने देखा नहीं। और मैंने ये अपनी प्लेलिस्ट के अंदर इसलिए डाल के रखा हुआ था कि जब कभी भी इसका सीज़न 2 आएगा सोनी लिव के ऊपर, तो मैं इसको गहराई से समझ पाऊँ। और अच्छा किया मैंने देख लिया, क्योंकि क्यूबिकल्स की जो स्टोरी 1 है वहीं एग्जैक्टली उसी पॉइंट से स्टोरी 2 के ऊपर कंटिन्यू होता है। और मेरे ख्याल से क्योंकि इसको आए हुए 1 साल 1.5 साल हो गया है, मेरे ख्याल से ये लोगों को इसलिए पसंद आया था क्योंकि एक ऐसे इंसान की जर्नी थी एक नए वर्ल्ड के अंदर, जो कि कम्प्लीटली अननोन था, अननोन टेरिटरी थी। एक ऐसे प्रोफेशनल की कहानी जो अभी अभी कॉलेज ख़त्म करके पहली जॉब के अंदर आया, तब उसको क्या क्या घटनाइयों का सामना हो सकता है। एक तो अननोन लोग, अननोन बॉस, अनलोक HR, अनवेलकमिंग HR है, एक्चुअली वो वर्ड होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल वेलकम नहीं करता है वो, कहने के लिए ह्यूमन रिसोर्स है। फिर ऑफिस पॉलिटिक्स, लाइकिंग डिसलाइकिंग, और कहीं ना कहीं क्यूबिकल का जो ये नाम रखा गया उसका दायरा, कि है तो सब क्यूबिकल, सब एक जैसे ही दिखते हैं क्यूबिकल्स, बट एट द सेम टाइम ये एक्चुअली में ये क्यूबिकल जो है ना, इसकी डायमेंशन हर इंसान के लिए, हर एम्प्लॉय के लिए डिफरेंट है। और वो अपनी अपनी बैकग्राउंड से वहाँ से आता है, और उन बैकग्राउंड्स की वजह से वो क्या परफॉर्म करता है, कितना कॉम्पिटिटिव हो जाता है। अब इसको थोड़ा लाइट हार्टेड तरीके से रखा गया था, क्योंकि अगर आप देखेंगे कुछ कुछ सीन, अगर आपने ये देखा हुआ पहले भी, तो कुछ आपको ऐसा लगेगा कि हल्का सा ओवर द टॉप है। जब किसी कॉर्पोरेट में कोई शरारत होती है, पॉलिटिक्स होती है, वो इस तरीके से होती है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपके साथ ये हो गया है। सो इट वॉज डन इन अ मोर ऑब्वियस मैनर, विच पीयूष एज अ मेन कैरेक्टर कुड आइडेंटिफाई एट द सेम टाइम। बट हाउ एवर, इफ यू आर इन अ कॉर्पोरेट, ट्रस्ट मी, लॉट ऑफ थिंग्स विल हैपन टू यू एंड यू विल रियलाइज इट मच लेटर कि यार ये हो गया, अच्छा ऐसा भी हो सकता था, बिकॉज यू आर नॉट दैट पॉलिटिकल इन योर हेड, एटलीस्ट इनिशियली। बाद में आप कैसे बन जाओ कुछ पता नहीं। बहरहाल, जो स्टोरी है उन्हीं कैरेक्टर्स के अराउंड, इन एंड अराउंड चलती है, जहाँ पर मेघा जो उनकी TL है, फिर महेंद्र जो है उनका सुपर बॉस है, फिर पीयूष की मेन कैरेक्टर है, और वही उसी के लेंस से ही दिखाया गया है कि वो क्या एक्सपेक्टेशन लेके आता है एक कॉरपोरेट से, और उसको क्या इवेंचुअली मिलता है, क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जब उसको CTC और इन हैंड में फ़र्क नहीं पता होता, जब उसको अप्रेजल का टाइम आता है, जब उसके रूममेट किसी और नौकरी के अंदर जाने वाला होता है, जब इसको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है और इसको मूव ऑन करना होता है अलग नौकरी के अंदर, नए नए दोस्त बनाना और रूममेट्स बनाना में क्या मुश्किलात आती है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप चाहोगे कि ये सेल थ्रू कर जाए, बट आपको एट द सेम टाइम इससे इतनी हमदर्दी होती है कि यार ये सेल थ्रू करता है, लेकिन फिर भी ना ऐसा होता है कि इसको अटकलें आती ही रहती हैं। और वो जिस तरीके से डिलीवर हुआ है वो कॉमिक तरीके से हुआ है। अब सीज़न 2 भी इसी तरीके से कंटिन्यूड रहता है, जहाँ पर उसकी जद्दोजहद ये जो कॉरपोरेट्स है और ज़्यादा होगी, उसकी फ्रस्ट्रेशन और बढ़ गई है, और ये कुछ आपको टीचिंग भी दे जाएगा कि जैसे हर एक रिलेशनशिप होता है ना, वो एक टॉक्सिक लेवल्स पे जब पहुंच जाए तो आप रास्ता बदल लेते हैं। तो क्या कॉर्पोरेट्स भी इसी तरीके के रिलेशनशिप होते हैं, जहाँ पर गिव एंड टेक होता है, और गिव एंड टेक में अगर सिर्फ टेक 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 ही है, गिव नहीं है, तो क्या वो इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, पॉइंट है जहाँ पर आपको रास्ता बदल देना है। तो वही आपको चीज़ें यहाँ पर अच्छी लगती हैं। आपको बहुत अच्छे कैरेक्टर्स भी इन बिटवीन इस सीरीज़ के अंदर देखने को मिलेंगे। मुझे गौतम गंभीर वाले जो कैरेक्टर हैं वो काफ़ी ज़्यादा पसंद थे, और लास्ट सीज़न में मुझे ऋचा का कैरेक्टर भी थोड़ा सा पसंद आया था। ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं ऑफिसर्स के अंदर, और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रखने वाले सुनैना जैसे कैरेक्टर जो इस बार ये नई इंट्रोडक्शन है वो भी होते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा रियल है, ऐसा होता है, और काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन रखा गया है, डायलॉग्स को जेन्युइन रखा गया, बट फिर भी हल्की सी रियलिटी से थोड़ी सी ओवर द टॉप है, विच इज़ ओके, क्योंकि आप इसको एक ड्रामा का रूपांतर दे रहे हो, तो इस वजह से ऐसे है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे जो कि कॉलेज के अंदर होंगे, तो घबराओ नहीं, इतना एक्सप्लिसिटली कोई मुंह पे आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करता, जो भी होता है आपके पीठ पीछे होता है, और आपको बहुत लेट रियलाइज़ होता है, और कई बार आपको पता भी नहीं चलता कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो ऐसा मत सोचना कि जाते ही आपकी रैगिंग शुरू हो जाती है कॉर्पोरेट के अंदर, रैगिंग नहीं होती है, वहाँ पर अलग लेवल की पॉलिटिक्स होती है जो आपको पता भी नहीं चलती है। तो वो एक एलिमेंट है जो मैं ये कह सकता हूँ इस वेब सीरीज़ का थोड़ा सा डाउनसाइड भी है, क्योंकि हल्का सा इसको ओवर रियल रखते जैसे यूजली TVF करता है अपने सारे जो भी वो शोज़ बनाता है, स्पेसिफिकली जो एस्पिरेंट्स देख लो, या फिर आप TVF का भी कोटा फैक्ट्री देख लो, वो बहुत ज़्यादा रियल है। तो ये रियल है, बट रियल थोड़ा -1,
उस लेवल पे है, लेकिन इट्स स्टिल अ गुड वॉच, एंटरटेनिंग वॉच. तो मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए दोस्तों रहेगा ए. आप ज़रूर देखिए इसको, फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, कोई ऐसा कोई गड़बड़ वाला मामला नहीं है. यू कैन सी इट विद योर फैमिली. बाय बाय.